आरजेडी पार्टी के अंदर हो रही कलह लगातार सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जगदानंद सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि वो आरजेडी से काफी नाराज चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा का भी मन बना लिया है। लेकिन इस खबर से पर्दा उठाया तेजस्वी यादव ने। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच तेजस्वी यादव ने अलग ही दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में मीडिया कर्मियों से कहा कि आप लोग जगदा बाबू को जानते ही नहीं हैं, उनको जाने में अभी समय लगेगा, वो काहे को नाराज होंगे। बता दें, जगदानंद सिंह राजद की दिल्ली की बैठक में नहीं गए, उन्होंने प्रदेश कार्यालय आना बंद कर दिया है। और तो और, खबर भी फैली थी कि जगदानंद सिंह अपना इस्तीफा भेज चुके हैं। तो आप लोग जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, जगदा बाबू को आप लोग यानी जानते ही नहीं है, फिर आप लोगों को अब समय लगेगा उनको जानने में, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं। उनके पुत्र भी थे, सब लोग तो थे ही, कहाँ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अच्छा नाराजगी टूट हो रही है, कहाँ कौन सी टूट है, कोई टूट नहीं है। अच्छा है, गलत आंकलन करते रहे, फिर वही हाल होगा जो बीजेपी का भी हुआ, गलत आंकलन की वजह से। वहीं आपको बता दें, जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह कल बैठक में शामिल थे और सुधाकर सिंह ने तस्वीर साझा की और लिखा कि नई दिल्ली में आयोजित की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। आपको याद होगा, लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक पर आरोप लगाया था कि श्याम रजक ने उन्हें फोन पर गंदी गंदी गालियां दी थी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से श्याम रजक ने मुलाकात की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि श्याम रजक तो बैठक में शामिल हुए, लेकिन लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव बैठक में मौजूद नहीं थे। श्याम रजक से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा कि श्याम रजक और तेज प्रताप यादव के बीच जो कुछ हुआ वो एक गलत फहमी का हिस्सा था, उसे दूर कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने पार्टी के भीतर पारिवारिक कलह पर पर्दा डालते हुए कहा कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है। लेकिन लगातार तेज प्रताप यादव कभी दूसरे नेता पे, कभी दूसरे नेता पे जो देखने को मिलते हैं। श्याम रजक जी भी मिलने आए थे आप लोग से। देखिए, अभी अभी मिल के गए हैं, कोई बात नहीं है ऐसी। देखिए, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, और ये पूरा जो हमको समझ में आया, ये पूरा कन्फ्यूजन का ही था। कुछ ऑडियो वायरल भी चला है जी। अब तेजी का से तो बात हुई नहीं है उसमें, तेजी तो दूर दूर तक नहीं था, क्या उनको बताया गया या ऑडियो में क्या बातें हैं, ज़्यादा हम लोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत, जो भी लगा कन्फ्यूजन जो लगा वही ठीक है, सब ठीक है। तेजी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, श्याम रजक जी सब ठीक है। बहरहाल, लालू यादव ने तो साफ कह दिया कि किसी भी तरीके का बयान जो आरजेडी से जुड़ा होगा या फिर किसी तरह का नीतिगत फैसला अब तेजस्वी ही लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या तेज प्रताप काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैठक में तेज प्रताप शामिल नहीं हुए, उससे तो यही लग रहा है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। और जगदानंद सिंह को लेकर जो तेजस्वी यादव ने दावा किया है वो कितना सही है और कितना गलत, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पार्टी में रहने के बावजूद जगदानंद सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए और वहीं इस्तीफा देकर भी सुधाकर सिंह बैठक में मौजूद रहे।